नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम कोई प्लॉट या लैंड परचेस करते हैं तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन परचेसिंग अ प्लॉट और ओपन लैंड। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि 7-12 क्या होता है, जैसे लैंड का पूरा डिटेल उसमें होता है, उस हिसाब से हम और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है 7-12 एक्स्ट्रा। 7-12 उतारा उस प्लॉट का या फिर लैंड का चाहिए 1955 के बाद का। उसके बाद है फेरफार सेंक्शन, मतलब उसके बाद में कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं वो फेरफार, उसका भी डिटेल चाहिए। इसके बाद खाते उतारा, वो भी एक एक्स्ट्रैक्ट है, वो भी चाहिए। उसके बाद गांव नकाशा, मतलब वो पूरा लोकेशन जो है उसका मैप, उसका गांव का लोकेशन मैप चाहिए, उसमें क्या क्या डिविजन्स है वो सब चाहिए। उसके बाद पानी नकाशा मतलब वो पूरा जो भी डिवीजन किया हुआ है सब डिवीजन, जैसे प्लॉटिंग का अलग अलग टाइप से, उसका मैप चाहिए। उसके बाद मोजनी नकाशा मतलब पूरा मेजरमेंट किया हुआ, सबका एरिया मेंशन किया हुआ, वो एक मैप या फिर वो प्लान चाहिए। उसके बाद स्कीम नकल, अगर कोई भी स्कीम है उधर आने वाली है स्कीम, उसका पूरा डिटेलिंग कॉपी चाहिए। उसके बाद जोन सर्टिफिकेट वो पर्टिकुलर जोन ऑफिस से, इसके बाद में सब जोन सर्टिफिकेट, वो पूरा जोन ऑफिस से, ये सब लोकल गवर्नमेंट ऑफिस रहता है उससे लेना है। उसके बाद है सर्टिफाइड नोटराइज कॉपी ऑफ जो भी एग्रीमेंट्स लगते हैं, वो सबका एक सर्टिफाइड नोटराइज कॉपी चाहिए। ये एग्रीमेंट कौन कौन से हैं तो इसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट है सेल डीड, उसके बाद है एग्रीमेंट टू सेल, उसके बाद टोकन रिसिप्ट, अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया हो टोकन दिया हो तो उसका रिसिप्ट, उसके बाद लीज डीड, इसके बाद गिफ्ट डीड, अगर वो गिफ्ट प्रॉपर्टी है गिफ्ट किया हुआ तो गिफ्ट डीड, इसके बाद विल डीड, अगर वो विल का है किसी का विल के हिसाब से है तो विल डीड, उसके बाद में रिलीज डीड। तो इसके साथ ही हम लोगों के ये साथ में देख रहा है कि इसका स्टैंप ड्यूटी और यह कंडीशनल से स्टैंप ड्यूटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये प्रॉपर्टी अगर या फिर लैंड लिटिगेशन में नहीं है कि ये भी हमको कन्फर्म करना है, इसका ओनर जो भी है सिंगल है या फिर नंबर ऑफ ओनर्स है वो पूरा, उसमें क्लियर टाइटल है कि नहीं ये भी चेक करना है, इसमें कोई कोर्ट केसेस अपील्स कुछ है क्या, उसका क्लियरेंस हुआ है कि नहीं, उसका रिजल्ट क्या हुआ है वो भी चेक करना है। उसके साथ में लोकल व अर्बन लॉ का कुछ है क्या, नया डेवलपमेंट कुछ हुआ है क्या, इसके साथ ही एनए ऑर्डर वो एनए किया है या फिर एग्रीकल्चरल है उसका टेनेंसी एक्ट क्या है वो भी चेक करना है। इसके साथ ही इतर हक, मतलब कोई एक्स्ट्रा किसी ने और उसमें इतर का कोई एक्स्ट्रा है क्या वो भी चेक करना है। लाइट बिल का अगर लोकेशन के हिसाब से है तो वो, और साथ में वो प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं कि नहीं उसका डिटेल डॉक्यूमेंट जो भी है गवर्नमेंट का ऑफिस है वो भी चेक करना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़ है कि कोर्ट परमिशन, वो अगर कुछ डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है और फिर कोर्ट परमिशन है कि नहीं, और कोई अगर माइनर उसका ओनर है तो माइनर ओनर है तो उसका सेल करने के लिए कोर्ट का परमिशन है कि नहीं वो भी चेक करना है, एनए ऑर्डर है कि नहीं, और सैंक्शन लेआउट, तो गवर्नमेंट ऑफिस कोई भी लेआउट जब तैयार होता है जैसे कॉर्पोरेशन हो गया, रजिस्ट्रर ऑफिस या फिर डिवीजन ऑफिस जो भी है उनकी तरफ से ये लेआउट जो भी पूरा सैंक्शन है कि नहीं वो भी चेक करना है, और उसका सैंक्शन होने के बाद में मोजनी या फिर मेजरमेंट किया हुआ जो भी उसका मैप या प्लान है वो भी देखना है। अभी हम देखेंगे कोई अगर बंगलो हम लोगों को परचेस करना है, वो बंगलो परचेस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने अभी जितने डॉक्यूमेंट्स चेक किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरत है, जैसे लैंड के लिए हमने चेक किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके साथ सैंक्शन प्लान चाहिए, सैंक्शन प्लान टाउन प्लानिंग के हिसाब से या फिर कोई कॉरपोरेशन या फिर गवर्नमेंट बॉडी है उसके हिसाब से सैंक्शन प्लान चाहिए। उसके बाद एनए ऑर्डर चाहिए, सब बाद में कमेंसमेंट का चाहिए डॉक्यूमेंट चाहिए, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी होते हैं वो भी चाहिए, और उसके बाद रेसिडेंशियल और कमर्शियल लाइट बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स ये भी चाहिए। और अगर प्लान जो भी सैंक्शन किया हुआ प्लान है या फिर रिवाइज किया हुआ प्लान है वो भी हम लोगों को देखना ज़रूरी है।
तो ये सब हम लोगों को बंगलो परचेस करते समय देखना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि ओपन प्लॉट या लैंड परचेस करने के लिए या फिर बंगलो परचेस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपको जब भी प्लॉट या फिर बंगलो परचेस करना है तो ये डॉक्यूमेंट क्लियरली चेक कीजिए और ये चेक करने के बाद ही डिसीजन लीजिए और परचेस कीजिए, क्योंकि इसी से आपको मतलब पूरा क्लियर आइडिया आ जाता है कि वो पूरा प्रॉपर्टी आपका अनडिस्प्यूटेड है या फिर कोई लिटिगेशन नहीं है, क्लियर टाइटल है, तभी आप परचेस कर सकेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। अगर पहली बार अगर आप चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।